हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2024 में शीतला अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और साथ ही जानेंगे इस दिन महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। दोस्तों इसे बैसोड़ा अष्टमी भी कहते हैं। बैसोड़ा या शीतला अष्टमी शीतला माता को समर्पित व्रत है। दोस्तों यह व्रत होली के 8वें दिन आता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा के समय शीतला माता को बासी भोग, खास तौर पर मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। दोस्तों शीतला अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं इस साल शीतला अष्टमी या बसोड़ा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, भोग और महिलाओं को इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं शीतला अष्टमी शुभ मुहूर्त 2024। दोस्तों शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। शीतला अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 2 अप्रैल की सुबह 6:10 से शाम 6:40। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल की रात 9:10 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल को रात 8:09 पर। दोस्तों शीतला सप्तमी 1 अप्रैल दिन सोमवार को है। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन सुबह शीतल जल से स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के दौरान हाथ में फूल, अक्षत जल और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर माता को रोली, फल, फूल, वस्त्र, धूप दीप, दक्षिणा और सप्तमी तिथि को तैयार किया गया बासी भोग अर्पित करें। दोस्तों शीतला अष्टमी के दिन चढ़ाए जाने वाला भोग 1 दिन पहले सप्तमी को ही तैयार किया जाता है। दोस्तों इस दिन शीतला माता को दही, रबड़ी, मीठे चावल, पोए, हलवा, पूड़ी आदि चीजों का भी भोग लगाया जाता है। दोस्तों पूजा के समय शीतला स्त्रोत का पाठ करें और व्रत कथा पढ़कर या सुनकर आरती जरूर करें। पूजा के बाद माता को भोग लगाए भोजन को खाकर ही अपना व्रत खोलें। दोस्तों इस दिन बासी भोग लगाने के पीछे मान्यता है कि माता शीतला को बासी व शीतल भोग ही प्रिय है, इसलिए आज माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें बासी और ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। अब जान लेते हैं शीतला अष्टमी पर क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों शीतला अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन चूल्हा न जलाएं और सप्तमी को बनाए भोजन का ही भोग माता को लगाकर खुद भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। दोस्तों शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू भी न लगाएं, इस दिन ऊनी वस्त्र भी न पहने, शीतला अष्टमी के दिन सुई धागे का काम भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों माता शीतला को भोग लगाने वाले भोग में खट्टी चीजों का भी प्रयोग न करें। माता शीतला के भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग भी न करें। जय माता दी। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।